सिद्धार्थनगर जिले में कल 28 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव की तैयारियां जोर जोर से हो रही है। प्रशासन की कोशिश है कि कल उद्घाटन से पहले सारी ही तैयारियां पूरी तरह संपूर्ण कर ली जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार, पुलिस कप्तान प्राची सिंह लगातार महोत्सव स्थल का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होना है। इस महोत्सव में पांचों दिन विभिन्न विधाओं के कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें भोजपुरी और बॉलीवुड नाइट के साथ साथ कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का भी आयोजन बहुत ही खास होता है। इस बार भोजपुरी नाइट पेश करने अक्षरा सिंह आ रही है, जबकि बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म करने के लिए मशहूर गायक कैलाश खेर आ रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर महोत्सव के लिए निर्धारित विशाल मैदान में विभिन्न तरह की प्रदर्शनियों का भी आयोजन होता है, जिसमें कमर्शियल जोन के साथ साथ फूड जोन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने बताया कि 5 दिवसीय इस महोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन है, उससे पहले ही बाकी बची तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि स्थानीय कलाकारों के लिए पांचों दिन अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्थानीय लोगों से महोत्सव को सफल बनाने में उनके सहयोग की अपील भी की। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, कल से सिद्धार्थनगर महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 5 दिन का कार्यक्रम होगा और विभिन्न प्रसिद्ध कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा काला नमक से संबंधित प्रदर्शनी होगी और भी झूले एवं अन्य सभी वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होंगे। प्रत्येक दिन वहाँ पर एक पुस्तक मेला भी लगाया गया है, साइंस एग्जीबिशन भी लगाई गई है। तो ये आज बुद्धा पार्क में कार्यक्रम महोत्सव के लिए ही एक उत्सव का माहौल बनाने के लिए किया गया है। उसमें सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया गया और उसी के क्रम में आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं।